हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपके नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है तू जुट्टी में मकर मूवी, जिसके डायरेक्टर है लव रंजन सर, जिन्होंने प्यार का पंचनामा 1 और 2 और सोनू के टिट्टू की स्वीटी जैसी मूवीज बनाई है। और इसमें लीड में है श्रद्धा कपूर, रणवीर कपूर, बस्सी, डिम्पल कपाड़िया, बोनी कपूर जैसे स्टार्स। तो कैसी है ये मूवी और क्या आप इसे अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, इन सभी विचारों पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर कुछ मिस नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो बात करें मूवी की स्टोरी की, तो ये मूवी एक रोमकॉम मूवी है जिसमें मिकी यानी रणवीर कपूर की एक बहुत बड़ी फैमिली है जिनके कई सारे बिजनेस है। बट मिकी अपने दोस्त प्रभास यानी कि अपने बस्सी भाई के साथ मिलकर एक ब्रेकअप करने का भी बिजनेस करता है, जिसमें वो अलग अलग वेरायटी के ब्रेकअप करते हैं। लेकिन मूवी में मिकी को टीनी यानी श्रद्धा कपूर से सच्चा वाला प्यार हो जाता है और टीनी को भी मिकी से सच्चा वाला प्यार हो जाता है। लेकिन टीनी मिकी से काफी ऑपोजिट कैरेक्टर है, जो एक जॉइंट फैमिली में रहती है और इंडिपेंडेंट लड़की है। मूवी में ट्विस्ट तो तब आता है जब इंटरवल के वक्त मिकी को एक ऐसा क्लाइंट मिलता है ब्रेकअप कराने के लिए, जिससे मिकी के आगे की जिंदगी बदल जाती है। तो अब यह क्लाइंट कौन है और क्या टीनी मिकी के हिसाब से एडजस्ट कर पाएगी या फिर इनका हो जाएगा ब्रेकअप, ये सब जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी। 2 घंटे 40 मिनट की इस मूवी में फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा खींचा हुआ लगेगा, लेकिन सेकेंड हाफ में यह मूवी अपना गियर चेंज करती है और आपको कहीं भी बोर नहीं होने देती। और हाँ, इसके सेकेंड हाफ में 2 कैमियोज भी है जिन्होंने अपने पार्ट को बखूबी प्ले किया है। बॉलीवुड में बहुत दिनों बाद एक अच्छी रोमकॉम मूवी देखने को मिली है। यह मूवी रोमकॉम होकर भी ज्यादातर रोमांस और ड्रामा पर फोकस करती है। अगर आप इस मूवी को सिर्फ ट्रेलर से जज करोगे तो आप इस मूवी में बहुत कुछ मिस कर दोगे, क्योंकि यह मूवी आपको फैमिली इंपोर्टेंस के बारे में भी बताती है। मूवी में स्टार्स की एक्टिंग की बात करें तो रणवीर कपूर एज ऑलवेज टॉपर है। श्रद्धा कपूर ने अपने ग्लैमर और इमोशन सीन से रणवीर को बराबर की टक्कर दी है। मूवी में बस्सी सर को सिर्फ कॉमेडी के लिए नहीं रखा गया है और इनका कैरेक्टर ऐसा भी नहीं कि साइड लगे, इन्होंने अपने कैरेक्टर को बखूबी प्ले किया है। बाकी की स्टार कास्ट भी अमेजिंग थी। मूवी में आपको थोड़े फ्लॉज भी देखने को मिलेंगे, जैसे कुछ डायलॉग काफी तेजी से बोले गए हैं और थोड़े वीएफएक्स भी वीक है। मूवी के गाने तो काफी झकास थे, मुझे सारे के सारे गाने काफी अच्छे लगे। मैंने इस मूवी को काफी एंजॉय किया है और यह मूवी आप एक बार नहीं बल्कि बार बार देख सकते हो। लेकिन मेरी एक ही शिकायत है इस मूवी को लेकर कि यह मूवी देखते वक्त ऐसा लगता है कि अमीरों की मूवी देखने आया हूँ। मूवी में हर कैरेक्टर को काफी रिच दिखाया गया है। मैंने इस मूवी को काफी एंजॉय किया, स्पेशली वो लास्ट चेजिंग वाला सीन जिसमें मिकी और उसकी फैमिली के आर्ग्यूमेंट्स आपको हंसी से लोटपोट कर देंगे। ये मूवी अभी की जनरेशन को काफी ज्यादा रिलेट करती है। तो ये थे हमारे विचार तू जुट्टी में मकर मूवी के बारे में। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। पक्का भागेगा तो नहीं? मम्मी कसम, जाएगी तो तू ही छोड़ के जाएगी।